बिग बॉस 15 के वीकेंड के वार पे सलमान खान जहां पहले ही टास्क खराब करने के लिए जय भानुशाली को काफी कुछ सुना चुके थे, जिसके बाद बारी आती है करण कुंद्रा की, जहां उन्होंने प्रतीक सहजपाल को बुरी तरह से दबोच के जमीन पे पछाड़ा था। जहां पहले सलमान खान करण कुंद्रा की क्लास लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्रतीक के साथ तुमने अच्छा नहीं किया, अगर वो चाहता तो तुम इस वक्त घर से बाहर होते। फिर सलमान खान प्रतीक से पूछते हैं कि अगर करण की जगह जय ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया होता तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता, क्योंकि करण को तो तुमने कुछ नहीं कहा। जिस पे प्रतीक भी कहता है कि अगर जय ने ऐसा कुछ किया होता तो अभी मैं उसे मार के घर से बाहर हो चुका होता, मैं करण से गुस्सा नहीं बल्कि हर्ट था। जिसपे करण भी कहते हैं कि मैं प्रतीक से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि उसने मेरे ही पॉइंट्स खराब किए, मैं उसे कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि वो मुझे इफेक्ट करता है। और ये बोलते बोलते करण कुंद्रा की आंखें भर आती है और वे प्रतीक से सॉरी कहते हैं और रोते हुए प्रतीक से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो मैं जिंदगी भर उसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। करण के इमोशनल होने पे उमर रियाज उन्हें संभालते हुए नजर आए, वहीं करण को रोते देख प्रतीक भी इमोशनल हो गए, जिन्हें पास बैठी अफसाना ने संभाला। बिग बॉस 15 में आने से पहले करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल का गुरु शिष्य का बॉन्ड रहा है। जहां प्रतीक एमटीवी के लव स्कूल के कंटेस्टेंट थे, वहीं करण उनके जज और मेंटोर थे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं। तो व्यूअर्स क्या कहेंगे आप, क्या करण का प्रतीक को पटकना एक सीरियस मैटर नहीं है, और क्या करण का ये रिएक्शन रियल है?